Dear students, now we will start with question number 3. Express the following numbers written in the Indian system in figures, placing the commas at the right place. हमको क्या करना है? Right place पे comma लगाना है और इन नंबर नेम्स को इस तरह से लिखना है, नंबर्स में लिखना है, ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. पहला क्वेश्चन है 15,682. ओके, हाउ वी विल राइट दिस? फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर माइंड. आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है आपके दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, टेन थाउजेंड्स प्लेस, लैक्स प्लेस एंड टेन लैक्स. ओके, इसको लैक्स भी बोला जाता है इस तरह से और इसको लाख भी बोला जाता है ऐसे. आपकी बुक में ये चीज दे रखी है ऐसे, अब दिख रहा होगा आपकी बुक में ये चीज दे रखी है इसलिए मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. ओके, नाउ सी, पहला क्वेश्चन है 15,682. सबसे पहले आपको क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखिए, मैं आपकी बुक आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. 15,000 क्या है? 15,000 तो थाउजेंड का प्लेस कौन सा है आप देखेंगे? थाउजेंड का प्लेस ये रहा, थाउजेंड. ये टू प्लेसेस थाउजेंड के होते हैं ना, क्योंकि ये थाउजेंड है और ये टेन थाउजेंड है, राइट? तो थाउजेंड प्लेस पे क्या लिखना है आपको? 15. तो अब 15 लिखना है, इट विल टेक टू प्लेसेस, तो 15 आप ऐसे लिखेंगे, 15,000, राइट? नेक्स्ट इज 600. क्या लिखा हुआ है? 600. यू कैन सी हियर, इट इज रिटन 600. ओके, तो हंड्रेड्स प्लेस पे आपको क्या लिख, 600. 100 क्या, ये कौन सा प्लेस है? 100 का प्लेस है, तो सीधा आप यहाँ पे 6 लिखेंगे. फिर आपका है 82. क्या है? 82. तो आप यहाँ पे 82 इस तरह से लिखेंगे. हो गया, तो ये हमने हमारे नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में सेट कर दिया. और अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना के लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, ठीक है? दूसरी चीज, कॉमास लगाना है. कॉमास मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, 1, 2, 3. लास्ट से आप 3 प्लेसेस को छोड़ देंगे और हंड्रेड प्लेस के बाद में आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है? तो यह हो गया आपका कॉमा, ठीक है? हाउ वी विल रीड दिस नंबर, 15,682. वेरी सिंपल. ये क्वेश्चन नंबर ए था आपका. क्वेश्चन नंबर बी, 25,009. अब देखिए 25,000, तो थाउजेंड्स प्लेस कहाँ है? ये वाले टू प्लेसेस थाउजेंड्स है. सबसे पहले आप 25 लिख दो, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? थाउजेंड. 25,000, तो थाउजेंड कहाँ है? यहाँ पे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 लिख देंगे. अगर वन नंबर होता तो हम वन ही लिखते, टू नंबर से 25, तो बोथ द नंबर्स के, बोथ जो प्लेसेस है उनके नीचे हम लिख देंगे, ठीक है? 25,000 हो गया. अब क्या है? डायरेक्ट 9. हंड्रेड्स प्लेस है क्या? हंड्रेड प्लेस, आई थिंक हंड्रेड्स प्लेस नहीं है, तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जीरो लिखना पड़ेगा, बिकॉज हंड्रेड्स प्लेस नहीं है, तो यहाँ हमने लिख दिया जीरो. फिर आप देखें क्या है, नाइन. नाइन कैसे लिखते हैं? ऐसे. इसका मींस क्या है? टेंस प्लेस भी नहीं है, तो हम टेंस प्लेस पे भी जीरो लिख देंगे और यहाँ पे नाइन लिख देंगे. अगर यहाँ होता 19, क्या होता? 19. अगर यहाँ 19 होता तो 19 हम ऐसे लिखते हैं, तो ये टेंस प्लेस हो जाता, ये वंस प्लेस हो जाता, बट यहाँ तो ओनली 9 है, तो हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे, राइट? इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ. आई कौन सा क्वेश्चन है? आई, आई क्वेश्चन में क्या है? 1,01,01,01. तो लैक्स के प्लेस, लाख का प्लेस क्या? 1,00,000. आप लैक को भूल जाइए, लाख ही याद रखिए, ठीक है? 1,00,000. तो लेग कौन सा है? ये टू प्लेसेस लेग्स के लिए. अब वन कैसे लिखते हैं? वन ऐसे लिखते हैं, तो वन लेग के नीचे आप वन लिख दीजिए, सिंपल है ना? यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा. वन इसके नीचे, एल के नीचे आप वन लिख दीजिए, ठीक है? ये 1,00,000 हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? ओनली 1 है, मीन्स डायरेक्ट 1 है. अब 1 कैसे लिखते हैं हम? ऐसे. अब इस बीच में उन्होंने थाउजेंड भी नहीं बोला है, हंड्रेड्स भी नहीं बोला है, राइट? यहाँ पे कोई आपको हंड्रेड नाम का वर्ड नज़र आ रहा है? नहीं, नहीं है ना. थाउजेंड है? नहीं, नहीं है. तो हम क्या करेंगे? थाउजेंड्स प्लेस नहीं है, जीरो लिख दिया. हंड्रेड्स प्लेस नहीं है, जीरो लिख दिया. अब है 1,
ठीक है, तो वन टेंस प्लेस भी नहीं है, तो हम इसको जीरो लिख देंगे और इसको वन लिख देंगे। अदरवाइज आप वन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो हमने जीरो वन यहाँ लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको ये लिखना है, ठीक है। अब आप कॉमास लगाएंगे, वन टू थ्री के बाद में कॉमा, वन टू के बाद में कॉमा। आई होप समझ में आ गया है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ओके।